ये है दोस्तों ओपल का एक एलईडी ट्यूबलाइट। ये दोस्तों आपको ओपल कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। मेरे पीसी के लिए मैंने इसको पर्सनली ऑर्डर किया। मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा एंड देखने के बाद मेरे को यूएसबी ट्यूबलाइट में बस यही दिखा अमेज़ॉन के अंदर, और सबसे ज़्यादा हाई रेटेड और सबसे ज़्यादा वारंटी के साथ यही वाला ट्यूबलाइट आता है। ओपल कंपनी का ये एलईडी ट्यूबलाइट है, ये लगभग आपको 2 साल का वारंटी के साथ देखने को मिल जाता है। मैंने पर्सनली इसे मेरे पीसी के लिए परचेस किया बिकॉज मेरे जो पीसी का डेस्क है वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा रहता है, रातों में काम करते वक्त मेरे को एक लाइट का ज़रूरत है और मैंने इसी वजह से इस वाले लाइट को लिया था। और ये लाइट दोस्तों ओपल की तरफ से आता है। ओपल बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है। इससे पहले ओपल के ट्यूब लाइट वगैरह बहुत ही सारे यूट्यूब में बहुत ही लोगों ने अनबॉक्सिंग किया, तो इसके बारे में ज़्यादातर आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। बॉक्स का ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। ओपल का यहाँ पे आपको एलईडी ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। नीचे में देख सकते हो एंटी ग्लेयर लिखा है, मतलब ये जो लाइट है एंटी ग्लेयर शील्ड के साथ आता है, अपने आंखों में ज़्यादातर ये चुभेगा नहीं। साथ ही साथ फ्लिकर प्ली टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बहुत सारे कैमरा ऐसे है आपको लाइटिंग में पकड़ने के बाद लाइट जो है वो ब्लिंक होता रहता है। सो इसमें आपको फ्लिकर प्ली टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है इस लाइट के अंदर। आप इसमें कैमरा में कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, छोटे मोटे टिकटॉक वीडियोस या फिर कोई शॉर्ट वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इस वाले लाइट में आपको एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाता है। हालांकि 5 वाट का ये ट्यूबलाइट है और ज़्यादातर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी नहीं करेगा। खैर इसके इस साइड में आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो ओपल का ये ऑफिस है संघाई में, इसका मेन ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा। इनके टोल फ्री नंबर वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देख सकते हो इसके डायमेंशंस वगैरह आपको दिखा सकते हैं। नॉन डिमेबल लाइट है और यहाँ पे सुइटेबल फॉर इंडोर यूज, मतलब मैं इंडोर पे ही यूज करने वाला, इसी वजह से परचेस किया। एंड ओपल का ये कंपनी है एंड ये ऑफिशियली चाइना का ही प्रोडक्ट है, इंडिया में ये मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो टोटल मैक्सिमम प्राइस इसका 799 लिखा गया है, बट मैंने अमेजोन से इसको परचेस किया 640 में, मतलब 640 रुपया पे मैंने इसको परचेस किया। अगर आप भी परचेस करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में बेस बाइंग लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए। इस टाइप में आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, लाइक यहाँ ये 5 वोल्ट का लाइट है एंड यहाँ पे आपको 1000 का MA देखने को मिल जाता है जो कि इसका रेटेड करंट है। और इसका प्रोडक्ट साइज वगैरह आप लोग देख सकते हो, ये साइज में बहुत ही छोटा है मेरे हाथों के यहाँ पे माफिक, अगर इसको देखा जाए तो लाइट ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका लाइटनिंग यार बहुत ही तगड़ा है, मैं आगे जाके आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं। एंड ओपन करने से पहले इनका एक सील रहता है, इसको ध्यान रखना, सील रहना चाहिए ताकि आपको पता चले ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको यही दोनों चीज़ देखने को मिल जाता है, ये हमारा मेन यूनिट है। ऐसे आप पैकिंग में देखने को मिलेगा दोनों साइड से ही ये जो पैकिंग है, ये दोस्तों पैकिंग किया गया है, इसको बाहर निकाल नहीं सकते हो और इससे पता चलता है ये एक जेन्युइन चीज़ है। साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिया गया है। फिलहाल मैं इसको सबसे पहले तो ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड जो भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई देगा, इसका कैसा कैसा यहाँ पे करंट फ्लो बना रहता है। आपको ऑन ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाता है, इसका मेंटेनेंस वगैरह आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ लिखा दिया गया है। एंड इसके अलावा भी आपको यहाँ पे 2 मेटल शीट देखने को मिलता है एंड 2 यहाँ पे टेप देखने को मिल जाता है, जिससे इस वाले लाइट को आप यहाँ पे मैग्नेटिक तरीके से चिपका सकते हो अपने दीवार पे। अब आते हैं हमारे मेन यूनिट की तरफ, तो इसका पैकेजिंग जो है मैं सबसे पहले काट देता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों पैकेजिंग सही से आता है कि नहीं वो पहले चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी होते रहते हैं। फाइनली इसका जो लुकिंग है आप लोग देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा है साइज में, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। देख सकते हो ये मेरा हाथ है और ये इतना साइज का है। ज़्यादातर ये आपको एक छोटा सा ही लाइट देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओपल का एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूँ दोस्तों ओपल एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इंडिया में भी इनके जो प्रोडक्ट्स है मैनुफैक्चर होते हैं। ओपल के बहुत सारे LEDs भी इंडिया में बिकते हैं, अमेजोन पे आपको इनके बहुत सारे ट्यूबलाइट्स एंड अदर IoT प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अदर साइड में अगर पीछे में देखो तो यहाँ पे आपको 2 हुक देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको बताया था वो जो मेटलिक शील्ड है उसमें ये जो मैग्नेट है दोनों साइड में आप इसको प्लेस कर सकते हो अपने मुताबिक, जितना दूर तक आप यहां पे दीवार पे रखना चाहते हो। ये स्लाइड होता है ना, बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किया जो कि इस ट्यूबलाइट का सबसे ज्यादा अच्छा चीज मेरे को लगा। ऐसा मतलब जो टेक्नोलॉजी है ये मैं दूसरे ट्यूबलाइट पर नहीं देखा। और जो भी आते हैं ना एक्स्ट्रा USB टाइप बताओ, उनमें जो माउंट है वो दोस्तों दीवार को टांगने के लिए कहीं पर भी छेद वेद करना पड़ता है दीवार पर, ये बहुत सारी दिक्कत हो जाते हैं। तो यहां पर आपको 2 मैग्नेट मिलता है, बस दीवार पे टेप चिपकाओ, मैग्नेटिक शील्ड चिपकाओ एंड इन दोनों को प्लेस करो जहां तक आप देना चाहते हो एंड दीवार पे चिपका दो। मैं आगे जाके दिखाऊंगा। एंड यहां पे जो वायर्स है ये वायर्स ऐसे टाइप में आते हैं, देख सकते हो यहां से लगा हुआ है,
तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट इस साइड में देखा जाए, पीछे के साइड में आपको कुछ इनका ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। ओपल का यहाँ पे देख सकते हो ओपल पोर्टेबल लुमिनरीज लिखा गया है, एंड मॉडल यहाँ पे देख सकते हो MT5 वाट का कूल है। एंड इसका जो रेटेड करेंट वगैरह मैंने पहले ही बताया, कलर टेम्परेचर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है भाई, सुइटेबल फॉर इंडोर यूज़ इन्होंने पहले ही बता दिया, इंडोर के लिए लाइट है। तो इसको ओपन करते हैं। वेयर का जो क्वालिटी है सच में बहुत अच्छा लगा मेरे को, एंड जो प्राइस इन लोगों ने चार्ज किया उससे तो अगर आप एक्सपेक्टेशन जो करते हो, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वेयर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वेयर भी बहुत ही ज़्यादा लंबा है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा लंबा वेयर इन्होंने दिया है। यहाँ पे बताया गया है कंपनी की तरफ से बहुत लंबा वेयर मिल रहा है। अब कितना लंबा वेयर मिल रहा है यहाँ पे तो लिखा होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं, चलो ठीक है, बहुत ही बड़ा वेयर है। मैं आगे जाके आपको टांग के भी दिखाऊंगा। एंड इनकी जो क्वालिटी है वेयर के, आप देख सकते हो ये स्मच फ्री है एंड टेंगल फ्री है, कोई भी टेंगल टाइप का आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो वेयर के साथ एक आपको USB जैक भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपने PC या फिर लैपटॉप में इजीली कनेक्ट करके इसको पावर दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है। प्लग एंड प्ले टाइप में बहुत दिक्कत होता है, स्विच ऑन करो ये करो वो करो, बट अपना PC लैपटॉप ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्विच भी दिया गया है, जो कि इसको लेने का सबसे अच्छा चीज़ है। देख सकते हो यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, पीछे में ओपल का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, एंड इस स्विच को दबा के आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो चलिए इसको एक बार चला के भी आपको दिखाएंगे। बाकी यही इसका एक लुक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये ऐसे टाइप का कुछ दिखता है प्रोडक्ट। तो ये मेरा PC का डेस्क है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और इससे पहले मैंने इस डेस्क के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। तो मैंने लाइट को लगा लिया है, और ये जो रोशनी आप देख रहे हो इस लाइट का ही रोशनी है। अब मैंने कैसे माउंट किया मैं आगे जाके दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे अभी जो लाइट दिख रहा है सफिशियंट है और अच्छा लाइटनिंग मिल रहा है मेरे को। अभी मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इससे पहले मेरे को क्या देखने को मिलता था जब लाइट मेरे पास नहीं था। लाइट को ऑफ किया, अब देखो यहाँ पे उतना तक रोशनी भी नहीं है, मेरे पीछे में ट्यूबलाइट था और ट्यूबलाइट का रोशनी भी यहाँ तक पहुँचता नहीं था। तो इसी वजह से मैंने लाइट को लिया। देख सकते हो यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसी वजह से मैंने इस लाइट को लिया है, और ये लाइट जलाने के बाद धीरे धीरे इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने लगता है। येलोइश टाइप का लाइट है, पूरा एकदम वाइट नहीं होता है ना। अभी इस लाइट को मैंने ऊपर में एक चिपकाया है, एक मैंने स्टैंड बनाया उससे चिपकाया है। कैसे चिपकाया मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। बाकी लाइटनिंग अभी आपको कैसा लग रहा है आप भी कमेंट करके बता सकते हो, एंड अगर डेस्क के लिए ऐसा कोई लाइटनिंग ढूंढ रहे हो तो इस लाइट के ऊपर ऑब्वियसली जा सकते हो, 2 साल के वारंटी के साथ आता है, एंड अगर कुछ होता है 2 साल के अंदर आप कंपनी में क्लेम कर सकते हो। अब मैं कैसे उसको माउंट किया ऊपर में मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये डेस्क है PC का, देख सकते हो बेसिकली मैंने इस, ये मॉनिटर है मेरा और यहाँ से ठीक ऊपर में मैंने इस लाइट को लगाया है। बिल्कुल ऐसे देख सकते हो वायर आता है और हमारे PC के पीछे यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया देख सकते हो, पहली तो बात ये एंटी फ्लिकर, मतलब फ्लिकर फ्री है, कोई फ्लिकरिंग आपको मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादातर लाइट क्या होता है, अगर अपना कैमरा आप लाइट के ऊपर लेके जाते हो तो लाइट यार ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है, तो इस लाइट के अंदर ऐसा कोई केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल ही एंटी ग्लेयर है, अपने आँखों के अंदर चुभेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको स्टैंड टाइप का एक बनाया। देखो मैं यहाँ से दिखाने का कोशिश करता हूँ, देखो ऐसे टाइप का मैंने स्टैंड बनाया। अब ये जो देख रहे हो ना, मैंने वॉल में माउंट किया, पहले तो मैं एक कील लिया एंड कील को इसके अंदर ठोक दिया, ठीक है, दीवार पे ठोक दिया। मैंने नाप के ही ये सारे चीज बनाया है, और ये देख सकते हो स्टिक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टिक बेसिकली जो 350-400 रुपया के ट्राइपॉड मिलते हैं वहां से मैंने काट लिया, एंड एल्युमिनियम के होते हैं तो मैंने उनको इजी यहां पे बेंड कर दिया, देख सकते हो इजीली तरीके से। एंड बेंड करके मैंने एक यहां पे चौकोन टाइप का एक मैंने स्टैंड बना लिया, एंड बनाने के बाद वो जो कील था कील के अंदर मैंने इसको घुसा दिया, एंड घुसाने के बाद देख सकते हो दोनों ही जगह पे यहां पे मैंने थोड़ा बहुत फेविकॉल लगा दिया ताकि ये टाइट हो जाए। मैंने कल रात को ही किया था, कल रात में फेविकॉल दिया और एक बार मैं दूसरी बार यहाँ पे फेविकॉल दे दिया आज दोपहर को, देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने जैसे कि बताया था मैग्नेटिक शीट के अंदर ये आता है, तो मैंने यहाँ पे जो मैग्नेटिक शीट है उसको एल्युमिनियम शीट के अंदर लगा दिया, जो ड्यूअल टेप आता है उससे, ठीक है। अब ये जो दोनों लगा दिया उसके बाद मैंने ट्यूबलाइट का जो मैग्नेटिक पोर्शन है वो शील्ड के अंदर लगा दिया, एंड यहाँ पे जो टाई दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे दो दिख रहे होंगे ना, दूसरे साइड पर भी है, तो मैंने टाई से जो मैग्नेटिक यहाँ पे टेप है उसको टाइट कर दिया था कि ये गिरे मत। तो यहाँ पे देख सकते हो अब इजीली ये स्टैंड पे अटक गया है, और बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे लैंप टाइप का मेरे को लाइट मिल रहा है, देख सकते हो ये कुछ ऐसे टाइप का दिखने को लगता है। अब देखो टोटल ये जो इंटरफेस है ये ऐसा टाइप का लाइट देता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो पे भी दिखाया, तो ये बहुत इजीली तरीके से मैंने वहाँ पे माउंट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे मैंने इसको दीवार पे माउंट किया, और बाकी लास्ट डिसीजन यही रहता है कि क्या 640
₹40 के अंदर ये वर्थ इट है एंड इसको क्या लेना चाहिए? तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली लेना चाहिए। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ₹640 आप दे रहे हो आपको मिल क्या रहा है। देखो यहाँ पे कंपनी आपको 2 साल का वारंटी दे रहा है। हाँ, मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे ट्यूबलाइट मार्केट में बिकते हैं उनके अंदर आपको 2 साल के वारंटीज मिल जाते हैं, लाइक लुमिनस है, अपना फिलिप्स है, वो लोग देते रहते हैं। बट ओपल भी एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है एंड ऐसे टाइप का USB टेक्नोलॉजी आपको मेरे ख्याल से दूसरे किसी ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली फॉर वहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक माउंट दिया गया है वो मैंने बहुत सारे ट्यूबलाइट ढूंढे हैं उनमें नहीं थे, इसके अंदर है। एंड जो फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी है, आपका एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी है एंड यहाँ पे जो ब्राइटनेस है इसका, मैंने सब कुछ देख के इसको पर्सनली चूज़ किया एंड USB है तो मेरे PC लैपटॉप में इजीली कनेक्ट हो जाता है। एंड साथ ही साथ एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है जिससे आप अपने हाथों से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ट्यूबलाइट्स ज़्यादातर क्या होते हैं, आप लगा देते हो यार बिजली के साथ तो ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करो ऑन होगा, स्विच ऑफ करो ऑफ हो जाएगा। बट इस केस में सीन पूरा अलग है, यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड स्विच देखने को मिलता है। सो इस स्विच की मदद से मेरे को बहुत ज़्यादा इजीली मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, मेरा मर्जी जब भी चाहे मैं ऑफ ऑन कर सकता हूँ। और 2 साल का वारंटी है जो कि सबसे बढ़िया बात है, तो मेरे ख्याल से ये वर्थ इट है। एंड अगर सेल वेल में भी परचेस करते हो ना, 550 के आसपास में इजीली देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो किसी ऐसा एक ट्यूबलाइट जो कि अपने डेस्क और PC के कोई टेबल के लिए, तो आप बहुत ही जल्दी इसको परचेस कर लो बिकॉज बहुत ही आउट ऑफ स्टॉक होता रहता है, ये ज़्यादातर मिलता नहीं है। अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, अपने घर तक डिलीवरी हो जाएगा एंड डिस्काउंटेड प्राइस में भी आपको वो मिल जाएगा। सो जल्दी से जाके परचेस करो एंड ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मैंने इसको यूज़ किया बहुत ही दिन हो गया, उसके बाद ही मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। ये वीडियो एक दिन का शूट नहीं है, बहुत ही दिनों से मैंने शूट करते करते मैंने खुद यहाँ पे देखा कि लाइट कैसा है, मैंने देखा लाइट बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छा है प्राइस के हिसाब से, तो इसी वजह से इस वीडियो को मैंने बहुत दिनों बाद आज शूट किया। तो वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक कर देना एंड चलो मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और एक लेटेस्ट वीडियो में लेटेस्ट अनबॉक्सिंग लेके बहुत जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।